Hi guys, welcome back to my channel. This is your love song. Okay, so actually jaldi isliye uth gaya. I've been facing a light problem from this morning around 9 subah ke 9 baje se abhi 1 bajne wala hai, bilkul bhi light nahi hai. You can see kaise mere ko paseena aa raha hai. Itna garmi hai, मैंने अभी मतलब लैंडलॉर्ड से बात की है. न्यूज़ लाइक कि अभी लाइट बंद रहा है, अभी लाइट बंद रहा है. लाइट पता नहीं कहाँ से ख़राब हुई है, बट लाइट ख़राब हो चुकी है. अब मुझे इतना, मेरे को पसीना आ रहा है, मुझे इतना गर्मी लग रहा है. अब आप सोचो कि ये चुंगचुंग जमा को कितना गर्मी लग रहा, तभी ये दोनों सो नहीं रहे कब से. इन दोनों के तो मोटे मोटे बाल भी है. अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं और नहीं सह सकता. इतना गर्मी आ रहा है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है. Let's start my सुबह 9 बजे लाइट गई थी और मैं बिल्कुल नहीं सो पाया. मैंने सोचा कि होटल जाऊं, फिर मुझे याद आया जान गुस्सा करेगा. अब वेट किया 1 बज चुके हैं. अब मैं और नहीं सह सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा. एंड लो साला खन्ना सो आ हरी गाइस देखो कितना अच्छा काम कर आई है, कुत्ते से कटवा कर आई है अपने आप को. ये देखो हालत देखो इसकी. गुस्सा आ रहा है मुझे देख के. इंजेक्शन कितने लगाए, 2 3 अभी 3 लगाए. हाँ, और 1 लगाने लगेगा. हाँ, अब सांग लो खब गया ससरी हो मुझे शुक्षी मुंगस सेन दोंगे उदले बेटा. हॉस्पिटल आया वो कुत्ते ने काट लिया मेरा, कुत्ते ने काट लिया. हॉस्पिटल आया वो. हाँ
देख भाई हॉस्पिटल आ गए। कहाँ पर है मंडी में? देखो हमारी गाय हुए भैया, भैया क्या कर रहे हो? तूने कौन सी आवाज दी है? किसका कैंप है ये? हाँ ये किसका कैंप है? अफरीदी वाला कैंप कौन सा है? ऐसा होता ना दोस्तों, मार मार के चर्चा कर देता। मारो ये डॉक्टर साहब साहब को कह रही है भगवान से डरो, भगवान से डरो। यही हो खाना में सो गाइस, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, रात के 1:30 है एंड आज का टाइम बहुत मेरा बहुत 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 बुरा गया, क्योंकि पहले बात तो मुझे आज तक कभी कुत्ते ने नहीं काटा है। इट्स माय फर्स्ट टाइम किसी डॉग ने मुझे काटा है। दैट टू बहुत दर्द हुआ था जब उसने काटा था, ऐसे काटा एंड ही वॉज नॉट लिविंग। और दूसरी बात आज मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रोया, बहुत 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 ज़्यादा रोया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंजेक्शन से फोबिया है, तो मेरे को आज लगा 1, 2, 3, 4 लगे, और ये 4 इंजेक्शन लगाने में मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लगाया, तो हालत ख़राब हो गई। आज पूरा रो रो के हॉस्पिटल में इतना मेरा हालत ख़राब हुआ ना, बैड एक्सपीरियंस। और अब मुझे डॉगी से डर लगता है, स्ट्रीट डॉग से अब मुझे डर लगता है, अब मैं इनके पास भी नहीं जाऊंगा कभी भी लाइफ में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। तो अभी मैं जस्ट अभी नहाया हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट मंगाई है, मेरी दोस्त सो रही है तो ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया है। पैनकेक द टिबेटन ब्रेकफास्ट सिम्बगेजरिश एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम। हाय गाइस, सो ओके मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि कल क्या क्या हुआ। तो कल रात को मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम सब डिनर करने गए थे। तो जब डिनर होने, मछलियों के टीला में, तो डिनर करने के बाद जब हम घर जा रहे थे, एकदम से 3 कुत्ता ने अटैक किया। तो चुंगचुंग मेरे पास था, जिमा मेरे फ्रेंड के पास था, चुंगचुंग नीचे था ना, एकदम से वो कुत्ता लोग आ गए। मैं इतना डर गया ना, मैं चुंगचुंग को ऐसे उठाया तो उसने जंप किया, वो बड़ा वाला कुत्ता ने जंप किया। आई हैड नो चॉइस, मेरे को ऐसा करना था, क्योंकि चुंगचुंग मेरे इसमें दखल रहा है, मेरे हाथ में था ना। तो मैंने चुंगचुंग को जब ऐसा उठाया, उसने जंप किया, तो मुझे ऐसे मुड़ना पड़ा। फिर जब मैं ऐसे मुड़ा ना, इसने यहाँ काट लिया। देखो ये देख रहे हो ना, जो ये फटा हुआ है, डॉगी ने यहाँ काटा एंड इतना हरामी डॉगी था, उसने छोड़ा नहीं। मतलब काटने के बाद छोड़ना होता है ना, उसने छोड़ा नहीं, ऐसे काट के बैठा। इतना दिमाग खराब भाई, इतना मेरे को दर्द हुआ ना भाई साहब। एंड फिर वहाँ से मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए इंजेक्शन लगाने, एंड मेरे को इंजेक्शन का फोबिया है, तुम लोग यकीन मानो ना मानो, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल वाला मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। एंड जब इंजेक्शन लगा रहा था यहाँ पे, पहले 1 लगा, 1, 2, 3, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे। एंड जब यहाँ पे लगा रहा था, मैं बहुत हिल रहा था, एक्चुअली मैं बहुत रो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ना इंजेक्शन से, तो मैं रो रहा था, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये एक्चुअली इंजेक्शन लगाते समय, निकालते समय वो निकल गया था, देखता हूँ। सो ये इंजेक्शन, जस्ट अ मिनट,
है ना, तो इससे देखो अभी ऐसा होगा, खून निकल रहा ना, तो ये पूरा अभी ग्रीन हो गया और मुझे बहुत दर्द कर रहा है। ये है डॉगी के काटने का और ये है मेरे इंजेक्शन की वजह से। एंड फॉर मैं कल रात इतना रोया। पहले बात तो मुझे डॉगी जब डॉग ने करा था तो एकदम से वो होते ना सडन शॉक, तो फिर उसके बाद वो दिल में इतना वो हुआ ना, पर मैं दोस्तों के सामने ना बहुत कोशिश कर रहा था कि ना रो कोशिश कर, फिर जब हॉस्पिटल गए ना भाई साहब इंजेक्शन दे के भाई साहब, तो फिर ना मतलब ऑनेस्टली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ना उस डॉगी ने चुंगचुंग को काट लिया होता ना, तो चुंगचुंग को तो वो लेके जाता, ऑफकोर्स चुंगचुंग को तो वो मार ही डालता, तो आई थिंक अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे काटा। बट आज के बाद मैं स्ट्रीट डॉग से दूर रहूंगा, मतलब अब स्ट्रीट डॉग मुझे पसंद नहीं है, अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्ट्रीट डॉग को भी बड़ा वाला था एंड चुंगचुंग लिदरा, तो अगर मैंने चुंगचुंग को नहीं उठाया होता ना तो डॉगी चुंगचुंग को काट लेता, और ऑफकोर्स चुंगचुंग तो मर ही जाता क्योंकि इतना छोटा डॉगी है चुंगचुंग, वो वाला इतना बड़ा था, तो आई गेस अच्छा ही हुआ उसने मुझे काट लिया। बट अब मैं डॉग से दूर रहूंगा। जम कर सकते हैं वो लोग जम, अब मैं सड़ा मैं इतना लंबा हूँ अंधेरा छह जाए मैं 5x5, फिर भी उसने ऐसा खोद के यहाँ काटा, यहाँ पैर में नहीं यहाँ ऊपर काटा, बाबरी। एंड मेरे को 4 इंजेक्शन लगे, 4 में से 1 इंजेक्शन मेरे को यहाँ पे बम पे लगा। मेरे कल 3 दोस्त थे साथ में और जैन भी था साथ में, तो मेरी एक फ्रेंड है सिकी, वो बहुत परेशान हो गई मेरे से क्योंकि मैं इंजेक्शन नहीं लगा रहा था। यू नो पता है मुझे कभी रेबीज के बारे में मुझे पता नहीं था, ऑनेस्टली मेरे को रेबीज के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है, बस मुझे ये पता था कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है या फिर कोई एनिमल के काटने से रेबीज होता है, पर ये होता क्या है वो मुझे नहीं पता था। और मेरे एक फ्रेंड है इतना मुझे डराया उसने कल यूट्यूब दिखा के कि रेबीज के डॉगीज के काटने से तुम पागल हो सकते हो, तुम मर सकते हो, एंड इतना उसने स्टोरी सुनाया क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस था। तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं टाइम से इंजेक्शन लगाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी डर क्यों ना लगे मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। एंड सच में मुझे नहीं पता था कि रेबीज बहुत खतरनाक होती है, मैंने कल मैंने भी यूट्यूब में सर्च करके देखा था कि रेबीज बहुत खतरनाक है भाई भाई। टाइम से इंजेक्शन लगाऊंगा मैं, और मुझे लगता है ये मेरी गलती है आई थिंक, क्योंकि वैसे भी मछनू और टीला में बहुत सारे डॉगीज होते ही होते हैं, तो मुझे दोनों को ऐसे मतलब लेके जाना नहीं चाहिए था, तो आई गेस इट्स माय मिस्टेक, मैं उसको बोल भी नहीं सकता। और मैंने तो देखा भी नहीं मतलब कौन सा डॉगी ने काटा वो भी मुझे नहीं पता, बट मेरे फ्रेंड को पता है कि कौन सा डॉगी ने काटा है। एंड एम्प्टी में ना वो डॉगी बहुत खतरनाक है, वो खुद के ऐसा जंप करके काटता है, तो बी अवेयर स्टे अलर्ट ले जाओ शिना सब पे तो ले जाओ। अली कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं बहुत रोया, बहुत 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 ज्यादा रोया। और वेल आई होप आज का दिन अच्छा जाए, कल का दिन तो बिल्कुल खराब गया मेरा। चलो देखते हैं आज क्या होता है। और अभी मेरे दोनों हाथ सुन हो चुके हैं, मेरे दोनों हाथ बहुत ज्यादा दर्द करे, बहुत ही ज्यादा दर्द करे, ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा दर्द करें मैं बता नहीं सकती। तो आज दोनों चुंचू और जेमा को दोनों मैं घर पे ही रखूँगा, बाहर लेके नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, मुझे प्रमोशन के कुछ काम है, मुझे कुछ बाहर जाना होगा, उसके बाद आई विल रेस्ट बस और क्या। एनीवेज गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे यू ऑल, और स्ट्रीट डॉग से दूर रहना कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जंप मार के काटते हैं, तो तुम लोग सेफ रहना, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और क्या बोलूं, तुम लोग ना यूट्यूब पे सर्च करना रेबीज पेशेंट, ओमो इतना खतरनाक वीडियो दिखता है ना कि कैसा होते हैं रेबीज के पेशेंट जो होते हैं ना। बाय गाइस, ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, हम खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसलिए बाय लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।
Hi. 같이 있던?